सच के साथ खबरें हर पल। मैं आपके साथ इंतकाब आलम। जानकारी दूं, इस वक्त जहां पे हम हैं अभी डाड़ी प्रखंड से आपको खबर हम दिखाने, जहां पे कबड्डी खेल में प्रखंड स्तरीय कबड्डी खेल खेलने के बाद जो है जिला में जाकर के खेले, और जिला हजारीबाग में 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में 15 प्रखंड के खिलाड़ियों को बिल्कुल पीछे करते हुए, इन तमाम हमारे पीछे में जो देख रहे खिलाड़ी ये बिल्कुल टॉपर बन चुके हैं, और अब जो है ये जिला में कैसे खेलेंगे और जिला के बाद आगे क्या इन लोग को ले जाया जाएगा वो हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे तमाम तस्वीरें आपको एक बार दिखाने का कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं इधर की तस्वीर जो है, ये बिल्कुल ये तमाम जो है ये अंडर 17 के लोग हैं, और अगर दूसरी तरफ में हम दिखाने की बात करें तो यहाँ पे अंडर 14 के लोग हैं, और ये तमाम कबड्डी खेल करके प्रखंड स्तरीय में टॉपर बन के बिल्कुल यहाँ पे पहुँचे हैं, और इन्हीं लोग से हम जानेंगे। तमाम लोगों का मेडल भी मिला हुआ है, और ये मेडल जो है बिल्कुल ये दिखाना चाहेंगे हम, जिला स्तरीय खेलो की जिला स्तरीय खेलो झारखंड 2023-24 खेलो झारखंड, इस तरह से जो है सील्ड भी इन लोगों को तमाम को मेडल भी दिया गया है, और इस मेडल में हम आज बातचीत करने का कोशिश करेंगे। आप लोग का कैप्टन कौन है? आप हुए, क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। आशीष जी, बताएंगे कि आज कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ? हम लोग कैसे बहुत पहले से मेहनत करते थे इसी खेलो झारखंड के लिए, और हम लोग सोचे भी थे कि जितना है हजारीबाग जिले में जाके डाड़ी प्रखंड को भी पहले जीत गए, उसके बाद हजारीबाग जिले में हम लोग का जीतने का सपना था, जीत गए। अब स्टेट खेलना है, अब स्टेट में भी हम लोग का विजय हासिल करना, यही हम लोग का सपना है। तो आप स्टेट खेलेंगे, कैमरा तरफ देखिए, स्टेट जब आप खेलेंगे तो क्या आपको बहुत सारे डिफिकल्ट आएंगे? प्रखंड का एक खिलाड़ी को निकल के बाहर जाना, उनके लिए बहुत सारे चीज डिफिकल्ट का सामना करना पड़ जाता है, ऐसे में आप क्या आशा उम्मीद रखते हैं, किन से आप आशा की गुहार लगाते हैं, कैसे आपको आगे बढ़ेंगे? हम तो आशा अपना स्कूल के जो प्रिंसिपल है गिरधारी सर, हमसे उससे आशा लगाते हैं कि वो हम लोग को सपोर्ट करते रहे, इसी तरह हम लोग आगे निकलते रहेंगे। कौन सा क्लास में है? 10th। 10 क्लास में आप है, कबड्डी खेलने का आप लोगों का जो अभ्यास दिया गया किनके द्वारा मिला? ये हम लोग का था मनीष सर, जो हम लोग को सिखाते थे। मनीष सर कहाँ के थे? यहीं बलसगरा के। बलसगरा के थे, उन्होंने आप लोगों को कबड्डी का अभ्यास दिया, आज उनके कबड्डी जो बताए हुए टिप्स को आप अपनाए तो कहीं ना कहीं प्रथम किए जिले पर। यस। कितने लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे? 12 हम लोग टीम का, 12 थ्रोटे, 12 आप लोगों में से थे। लेकिन प्रखंड से कितने खिलाड़ी पहुंचे हुए? प्रखंड से 16 टीम, 16 खिलाड़ियों में आप फर्स्ट हुए, सेकंड कौन हुआ, थर्ड कौन हुआ? सेकंड हुआ इचाक, सेकंड इचाक हुआ। अच्छा, ये खेल कहाँ पे हो रहा था? ये सतकोलंबस ग्राउंड, सतकोलंबस ग्राउंड में आप लोगों को ये, और लोगों से बातचीत करने का हम कोशिश करेंगे। क्या बताएंगे कबड्डी जो खेल में आप लोग आज खेलने के बाद इस तरह से आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या मतलब खेले, प्रैक्टिस था, 6 महीने का प्रैक्टिस पूरा किए थे धूमधाम से, उसी का मेहनत दिख रंग लाया, पूरा जी जान लगा के खेले और बस विजय हासिल किया। चोट वोट भी लगा का? चोट वोट लगा ले अंगुली में, पैर उड़ में। देख सकते हैं कि कबड्डी में किस तरह से लोग खेलते हैं, और चोट भी कहीं ना कहीं बहुत ही घातक एक तरह से कहा जा सकता है कबड्डी का खेल, और चोट भी लगा हुआ है, लेकिन उमंग है, जोश है, चूंकि डाड़ी प्रखंड स्तरीय खेल में ये टॉपर अभी इस वक्त में जिला पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उत्साह बिल्कुल इनके चेहरे पर दिख रहा है। क्या नाम हुआ? मंजीत कुमार। और लोगों से बातचीत करेंगे, हालांकि यहाँ पे काफी लोग हैं, और तमाम लोगों से हम बातचीत करने से पहले अब हम चाहेंगे गिरधारी सर, तमाम खिलाड़ियों के पीछे कहीं ना कहीं आपका श्रेय बिल्कुल चला आ रहा है कि हमारे गिरधारी सर विद्यालय के प्रति ध्यान देते हैं। ये जो विद्यालय के बच्चे हैं, किस विद्यालय से? ये सभी जो है किसान मधुर उच्च विद्यालय बलसगरा और उत्कर्मित उच्च विद्यालय मुरकुंडा के विद्यार्थी हैं। अंडर 14 में जो है मुरकुंडा के विद्यार्थी हैं, और अंडर 17 में है वो किसान मधुर हाई स्कूल बलसगरा के विद्यार्थी हैं। निश्चित रूप से आज बहुत गौरव की बात है, जो पूर्वजों ने इस रहती जमीन को फुट ग्राउंड के लिए छोड़ा था, उस ग्राउंड के पीछे का उद्देश्य था कि इस क्षेत्र से जो है खिलाड़ी आगे जाएं, लेकिन बीच के कालों में बहुत इस ग्राउंड में फुटबॉल खेल आयोजन होता था, और जिला स्तर पर हम खेलने के लिए हम लोग जाते थे, लेकिन ये सपना था कि हम लोग
के गांव से जो है इस विद्यालय स्तर से जो है वो राज्य स्तर पर पहुंचे, ये केवल सपना ही था। आज इन विद्यार्थियों ने जो सपना इस क्षेत्र के लिए पूरा किया है, बहुत गौरव की बात है। और जो जिस उद्देश्य से इस ग्राउंड की निर्माण हुआ है, जिसको जो है आज हम पटेल स्टेडियम के रूप में जानते हैं, निश्चित रूप से इस स्टेडियम का जो है सार्थकता सिद्ध हुई है। मैं मानता हूँ कि संभावनाएँ अपार है और इस क्षेत्र के लोगों की भी जुझारूपन रहा है खेल के प्रति। और जो बीच में जो है थोड़ा विराम लगा था, इस नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ जो विद्यार्थीगण आज अभ्यास करते हैं ग्राउंड में, वो निश्चित रूप से आने वाला जो है कल जो है इस क्षेत्र के लिए, खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान बनेगी। यहाँ कुछ लोगों की सोच है कि हम फुटबॉल के क्षेत्र में जो है माराडोना जैसे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से पैदा हो, ऐसा सोचने वाले लोग हैं, वो हर तरह से हमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये जो युवाओं का टीम है, इनका जो कार्यशैली है, इनका जो हमने एक्टिविटी देखा है, निश्चित रूप से ये यहाँ की भविष्य को ये उज्जवल करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और ये शुभकामना है कि ये जिला से हमने पहले ही मैच में जाने से पहले हमने कहा था कि तुम लोग मैच जीतोगे, स्टेट पे जाओगे, तुमको हम जो है भ्रमण के लिए ले जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। और इन लोगों ने जो आपको भी जोश उत्साह को रूप से इन लोगों ने जो हमने जो कहा और इन लोगों ने पूरा किया है, उसको हम अपनी जो जुबान दिया है वो पूरा करेंगे। ये उसके साथ ही जो है स्टेट का जो खेल होगा वो और कोशिश हमारी रहेगी कि ये विजय हासिल करें और स्टेट से दूसरे राज्य में जाने का काम करेंगे, ये हमारी शुभकामना है। कितने बच्चे आपके इस ये में पार्टिसिपेट भी गए? इसमें जो है कबड्डी में 12 की टीम होती है, 12 खिलाड़ी गए थे, लड़कियों का भी एक टीम गई थी, लेकिन वो टीम हार गई है। कल हमारा वॉलीबॉल का टीम जाने वाली है, वो भी प्रखंड स्तर में टॉप किया है और वो जिला में जाने वाले हैं। कुछ एथलीट हैं, वो भी जिला स्तर में जाएंगे। और अब मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा कबड्डी की टीम जो है विजय हासिल की है, वो वॉलीबॉल और एथलीट भी राज्य स्तर पर पहुंचे, ये हमारी इनके साथ शुभकामना है, ये हमारी उम्मीद भी है। तो बलसगरा की अब बच्चे धीरे धीरे जो है शिक्षा के साथ साथ अपनी प्रतियोगिता काले कबड्डी या फिर देश के और झारखंड के उन कोनाओं तक बिखेरेंगे जलवा, इसके लिए क्या आप अपने तरफ से इन तमाम लोगों को तो जानकारी दे दिए कि हम इनके साथ सदा तात्पर्य खड़े रहेंगे, लेकिन इन बच्चों के साथ आगे की स्थिति आपको किसी तरह से कोई आस उम्मीद? हमारी उम्मीद है कि ओलंपिक तक ये जाए, चूंकि लोगों का सपना है यहाँ का, हम लोग सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। बच्चे जिस तरह से इनके पास जुझारूपन है, जो खेलने की कला है, जो टेक्निक है, जो भी इस क्षेत्र के स्पोर्ट्समैन हैं, हर लोग अपने तरीके से अपने तौर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। जैसा खिलाड़ियों ने बताया कि मनीष जी जो हैं इनको सुबह शाम कोचिंग करते थे, हम लोग को भी अच्छा लग रहा था कि इतने दिन से ग्राउंड खाली था, ग्राउंड की एक तरह से तोहीन हो रही थी, चूँकि जब ग्राउंड बन रहा था तब यहाँ के बुजुर्गों ने कहा था कि जब ग्राउंड बनेगा तो खेलने वाला नहीं होगा, और हम लोग को लग रहा था कि निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनकी भविष्यवाणी सत्य हो रही है, लेकिन आज ही उस भविष्यवाणी को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया है कि आज ग्राउंड में आज लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में खिलाड़ी हैं, और जो है ग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों से भरने लगा है। और ये झारखंड सरकार की जो ये प्रयास रहा खेलो झारखंड के अंतर्गत, हर गांव मोहल्ले में जो जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा जो है निखरने का बहुत बड़ा अवसर मिला है, क्योंकि पहले ये सुविधाएं नहीं थी। हम लोग भी फुटबॉल में जिला स्तर कई एक बार खेला, लीग खेला, लेकिन वहां सिलेक्शन जो है गलत तरीके से होती थी, जिसका परिणाम है कि जिला से ऊपर हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन ये सपना हम लोगों का था कि ये हमारा गाँव से जो है लोग स्टेट तक पहुँचे, और इन लोगों ने ये कामयाबी हासिल की है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है। और इस स्टेडियम का जो है नाम रोशन किया है, नाम स्टेडियम जो है अलग अलग चीज़ों से जानी जाती थी, लेकिन आज कबड्डी के नाम से जाना जाएगा, ये हमारे लिए बड़ी गौरव का क्षण है। चलिए फिर से एक बार अपना परिचय। मैं गिरधारी महतो, किसान मजदूर उच्च विद्यालय बलसगरा का प्रिंसिपल,
और इस गांव का स्थानीय निवासी रहा हूं। और इस ग्राउंड को हमारे साथी लोग यहां है मौजूद हैं, इस ग्राउंड को बनाने में यहां के युवाओं ने इसका इतिहास रहा कि 60 बैल हर बैल इसको जोत करके प्लेन किया था। और पूरे गांव का ही नहीं, आसपास के गांव के लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी लेकिन सहमति जताया, और उसी का देन है कि आज उत्तरोत्तर जो है आज यहां बड़े बड़े आयोजन जो हो रहे हैं, हर इलेक्शन में हेलीकॉप्टर उतर रहा है। ये यहां के युवाओं का, यहां के रैयतों की देन है जो एक विरासत के रूप में हमारे सामने है। तो लगातार आपको लाइव तस्वीरें, लाइव खबरें हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में कि पटेल स्टेडियम से तमाम लोग बिल्कुल मौजूद है। थोड़ा सा कैमरामैन पीछे हो जाएं और इस वक्त में तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां पे, किस तरह से लोगों के साथ हम बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। पटेल स्टेडियम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गिरधारी सर का बिल्कुल ये बात सामने में आ रहा है कि ये पटेल स्टेडियम में तमाम ग्रामीण वासी जो है यहाँ पे अपनी भूमिका निभाए हैं, उसके कहीं ना कहीं जलवा आज तमाम देखने को मिल रहा है। हालांकि इधर अंडर 14 के तमाम कबड्डी खेलने के लिए लोग गए थे और इन्हीं लोग से भी हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार, थोड़ा आगे आ जाए लाइट में। कहाँ गए थे आप लोग खेलने के लिए? हजारीबाग गए थे खेलने के लिए। हार गए, जीत गए? जीत गए। अंडर 14 में कितने लोग आप लोग गए थे? हम लोग 11। तो आप लोग को जो कोचिंग करवाते हैं कबड्डी वगैरह का, ये कौन कराते हैं? मनीष सर कराते हैं। कबड्डी ही क्यों खेलना चाहते हैं आप लोग? क्रिकेट है, बहुत सारे लोग फुटबॉल का चॉइस करते हैं, वॉलीबॉल का, आप कबड्डी क्यों चॉइस किए? इंटरेस्ट है बहुत कोई का। आपका ये तमन्ना था कबड्डी ही खेले? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आकाश कुमार। आकाश जी, आप भी अंडर 14 में खेलने गए थे, कबड्डी को क्यों चूज कर रहे हैं? कबड्डी अच्छा लगता है खेलने में, और इसमें मेरा दोस्ती सब भी है। और जोखिम नहीं लगता है कि जब कबड्डी में पटकते हैं किसी को तो बहुत भयानक चोटें लगते हैं, तो क्या इससे डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं, टेक्निक है। यस। देखिए और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी कबड्डी खेलने गए थे अंडर 14 में? हाँ। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। आखिर जीत जो दर्ज की है आप पूरे प्रखंड स्तर में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे लोगों को? यही कहेंगे कि हमारा जो प्रेस्टिक रहा वो अच्छा ढंग से रहा। लोगों को और कहेंगे कबड्डी खेलिए, आइए हमारे जैसे आगे की और बढ़िए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? यही कहेंगे कि खेलो झारखंड में, आप भी भाग ले और आगे के अपने भविष्य सुधारे प्रतियोगिता में, यही कहना चाह रहे हैं। यस। तो देखिए किस तरह से लोगों से बातचीत करने के बाद ये है तस्वीर, आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत किए और ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस वक्त बयां कर रहे हैं डाड़ी प्रखंड से पटेल स्टेडियम, जहाँ पे बलसगरा पंचायत में यह पटेल स्टेडियम है और यहाँ पे तमाम कबड्डी खिलाड़ी जो है ये प्रखंड स्तरीय खेलने के लिए जब गए जिला में, 16 प्रखंड के लोग पार्टिसिपेट लिए, उस 16 प्रखंड के लोगों को 15 प्रखंड को पीछे कर दिए और ये अपने प्रखंड को अव्वल नाम दर्ज किए। ऐसे में तमाम लोगों का खुशियां चेहरे पर है और तमाम कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ झारखंड के खेलो झारखंड जब से बना है, इन तमाम कहीं ना कहीं प्रतिभागी अपना आजमा रहे हैं और ये खिलाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज, क्या कहेंगे आप लोग, कुछ नारा बोलेंगे? क्या कहेंगे जीत के खुशी में, क्या कहेंगे? किसान मजदूर उच्च विद्यालय हिप 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 यूएचएस गुरकुंडा हिप हिप यूएचएस गुरकुंडा हिप हिप। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों की खुशियां है, उत्साह है, उमंग है तमाम लोग के चेहरे में और अपने अपने जिस तरह से अभी नारा लगा रहे थे कि हिप फुर्री, यानी कहीं ना कहीं ये बात के बिल्कुल सामने प्रकट हो जा रहा है कि किस तरह से कबड्डी में सफलता हासिल की है और हासिल के बाद ये अब जो है जिला स्तर पर टॉपर बन के झारखंड राज्य पर जाकर के खेलेंगे। तो किस तरह से क्या कुछ होगा, इन तमाम खिलाड़ियों का फिर से एक बार खबरें आपको लेकर के आएंगे, इनकी कहाँ तक कैसे सफलता प्राप्त होते हैं, खबरों में बने रहें लगातार। शुक्रिया।